तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का एक और सेंट्रल आइडिया लेकर आ गए हैं और पोएम का नाम है फॉग। ये हमारे सिलेबस की सबसे छोटी पोएम है और इसके पोएट का नाम है कार्ल सैंडबर्ग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने सेंट्रल आइडिया को। द पोएम फॉग कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग शोज द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर। जो फॉग हमारी आज की पोएम है जिसको कंपोज किया है कार्ल सैंडबर्ग ने, ये प्रकृति के एक सुंदर दृश्य को दिखाती है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द काम एंड क्वाइट नेचर ऑफ द फॉग कंपेयरिंग इट विद द कैट। इस पोएम में पोएट बात करता है फॉग के नेचर के बारे में, यानी कोहरे के नेचर के बारे में, जो कि बहुत काम और क्वाइट होता है, यानी शांत होता है, और उसको कंपेयर किया है एक बिल्ली से। ही सेज दैट द अराइवल ऑफ फॉग इज स्लो एंड साइलेंट लाइक अ कैट। वो ये बताता है कि जो फॉग का अराइवल होता है, आना होता है, वो उतना ही स्लो और साइलेंट होता है जितना कि एक बिल्ली का आना होता है। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द अनडिस्टर्बिंग नेचर ऑफ द नेचर। जी हाँ, यहाँ पर नेचर वर्ड आपको दो बार दिखेगा, दोनों की मीनिंग अलग है। पोएट यहाँ पर यह भी डिस्क्राइब करना चाहता है कि जो नेचर का यानी प्रकृति का जो स्वभाव है वो कितना अनडिस्टर्बिंग होता है। इट सेज दैट द वे द नेचर डजंट डिस्टर्ब अस, वी ऑल्सो शुड नॉट डिस्टर्ब द नेचर। ये पोएम ये कहती है कि जिस तरीके से प्रकृति हमें कोई परेशानी नहीं देती है, हमको भी प्रकृति को कोई परेशानी नहीं देनी चाहिए। द साइलेंट डिपार्चर ऑफ द फॉग टेल्स अस दैट any problem that comes to our life doesn't stay for long, so we should be patient and hopeful for the future. एक symbolic तरीके से इस poem में ये भी बताया गया है कि जो fog silently आता है और silently चला जाता है, तो इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमारी जिंदगी की कोई भी problem हमेशा के लिए नहीं रुकती है, इसलिए हमको patient यानी कि सब्र वाला होना चाहिए and hopeful for the future, और हमें अपने भविष्य के लिए आशान्वित भी होना चाहिए। In fact, the poem highlights the fact that nothing stays forever, be it good or bad. वास्तविकता ये है कि ये पोएम ये हाईलाइट करती है कि कोई भी चीज हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हमेशा के लिए नहीं रहती है। मतलब सीधा है कि खुशियों में ज्यादा खुश ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो। ऑलराइट गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये सेंट्रल आइडिया आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।